तो भाई एक दिन पहले मैंने इंस्टा पे एक रील शेयर करा था इंकलाब करके, जो है ना आर्टिस्ट लोग को बुला के ऐसा फ्री स्टाइल करवाता है। तो उसमें एक आर्टिस्ट आया था, वेस्ट अफ्रीकन आर्टिस्ट, उसका नाम है यंग सैमी, और वो भाई हिंदी में रैप कर रहा था। भाई अपने हाथों से तू भर मेरा खाली है ग्लास, आई एम टॉप इन द गेम वाज द लास्ट इन द क्लास, स्कूल में सर ने था बोला तुझ में नहीं है कुछ बात, अब मैं डील करता क्लोज कुछ करता पास। मतलब प्रॉपर अच्छा प्रोनाउंसिएशन के साथ, अभी अपन वो एन वर्ड तो बोल नहीं सकते, तो बेसिकली भाई वो वेस्ट अफ्रीका से बिलोंग करते, बट यहाँ पे है दिल्ली एनसीआर में रहते, तो काफी ज्यादा हिप हॉप से इंस्पायर्ड होके यू नो अभी हिंदी में रैप करना चालू कर दिए। बहुत ही अच्छे से रैप कर रहे हैं, मतलब अभी ये देख के काफी अनयूजुअल लग सकता है कि भाई एक ब्लैक जो अफ्रीकन है वो हिंदी में आके ना प्रॉपर ऐसा बोल रहा है। ऐसे दो तीन लोग है, सैमुअल सिंह भी है और एक बंदा है जो पॉडकास्ट में आके ना प्रॉपर हिंदी में बात करता है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। ऐसे है काफी लोग है, फॉरेनर्स भी बहुत अच्छे हिंदी बोल लेते, बट ये एक अलग सा एक आर्टिस्ट स्टैंड आउट कर रहा है, तो अपन पे मैं सोचा कि भाई आप लोग से शेयर क्यों ना किया जाए। भले इस पे व्यूज कम आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये ऐसा अपकमिंग आर्टिस्ट है जो यू नो जो डिजर्व करता है। मैंने सिर्फ वो भाई का फ्री स्टाइल चेक करा, जब बाद में जाके मैंने गाना देखा तो मैंने स्टार्टिंग का खाली ना 30 सेकंड सुना, बट मैं बोला भाई अपने भाई लोग से शेयर करना है बनता है, तो अपन भाई ज्यादा वक्त शोध करते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। बूम द मोमेंटिंग सम फीट एल्बम पोएट 4x4। पूरा भाई अफ्रीकन ही है। चलें लेट्स गो। गेटी विद द बॉयज इन अ 4x4, नोट रखे जेब में 2x2, एट द क्लब कहते हो माय गॉड, चढ़ा हूं स्टेज में आई शूट माय शॉट। गेटी विद द बॉयज इन अ 4x4, नोट रखे जेब में 2x2, पुल अप एट द क्लब कहते हो माय गॉड, चढ़ा हूं स्टेज में आई शूट माय शॉट। गेटी विद द बॉयज इन अ 4x4, नोट रखे जेब में 2x4, पुल अप एट द क्लब कहते हो माय, चढ़ा हूं स्टेज में आई शूट माय शॉट। गेटी विद द बॉयज इन अ 4x4, नोट रखे जेब में 2x2, पुल अप एट द क्लब कहते हो माय गॉड, चढ़ा हूं स्टेज में आई शूट माय शॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई द हुक इज क्रेजी कैची, भाई क्रेजी कैची हुक है बनाया भाई, एक नंबर हुक बनाया ले। और भाई को देख ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो भाई रैप कर रहे, मेरे को लगा कोई लिपसिंग कर रहा है भाई, बट एक्चुअल में मैंने अभी फ्री स्टाइल सुना तो भाई मेरे को कन्फर्म हुआ कि भाई रैप कर रहे। और आई एम सॉरी वो जो बच्चे लोग यहाँ पर पे कर रहे उसको इग्नोर कर देना भाई, बच्चे लोग भाई खेलते मजे कर रहे तो उनको रोक नहीं सकते, तो प्लीज इग्नोर करना। Get with the boys in the 4x4, no trick jet me 2x2, pull up at the club get the oh my god, chada hu must date me I shoot my shot, delhi ke londe lagate ni break hai dubai kare land to hum ban jate shake hai jam lage jitna bhi track karta race, rokne se rukte ni chada aisa craze hai alpha delhi ke londe bhai lagate ni break hai dubai mein jate to seedha shake ban jate nice, chada hu must date me I shoot my shot, delhi ke londe lagate ni break hai dubai kare land to hum ban jate shake hai jam lage jitna bhi track karta race, rokne se rukte ni chada aisa craze Alpha Omega, the first and the last. We go stem club, and the party stops. Just behind me, his game, my sir, be a touch. Jahan bhi hum bolte, sabhi ho jaate shant. Sunte hi naam, shorties aa jaati pass. Apni haathon se tu bhar mera khali ek glass. Top in the game was the last in the class. Kul mein sir ne tha bola, tujh mein nahi hai kuch baat. Main deal karta close, kuch karta pass. Hit jaate shows and I'm packing the packs. Kholte hum bag, every couch in the lags. Now chakar bhi cheek tere saamne na trap. Pull up to the club, is a game over. Artists in the room, I can take show up. All the eyes on me, mujhe dekho sab. Speedy with the game, just a range over. आने वाला टाइम वी गोन टेक ओवर स्पीड विद द गेम व्हाट जो मी मुझे देखो सब स्पीड विद द गेम जस्ट रेंज ओवर आने वाला टाइम वी गोन टेक ओवर मिली पहली बार के द स्टे ओवर इफ यू कम टू द क्लब यू गोन पे ओवर से टू माय फेस यू नो से नो मोर गेट इट विद द बॉयज इन द 4x4 नो ट्रक जे में 2x2 पुल अप टू द क्लब कहते हो माय चढ़ा हूं मैं स्टेज में शूट माय शॉट गेट इट विद द बॉयज इन द 4x4 नो ट्रक जे में 2x2 पुल अप टू द क्लब कहते हो माय गॉड चढ़ा हूं स्टेज में शूट माय शॉट गेट इट विद द बॉयज इन द 4x4 पीछे एडलिब्स बराबर जा रहे ले भाई मोटर के जेब में तो पुल अप टू द क्लब कहते हो मैं चढ़ा हूं स्टेज में शो में ए ए ए ए ए कम ऑन रेड बड़े मेरे आशो बस करके तू देख ले हो पाए तो पसंद मुझे ग्रीन जैसे पॉपाई को आजकल बज बहुत मेरा ये पता है मुझे ग्रीन जैसे पॉपाई को करके तू देख ले हो पाए तो पसंद मुझे ग्रीन जैसे पॉपाई को आजकल बज बहुत मेरा ये मोबाइल फोन जानता भी नहीं मैं तू है भाई कौन कटे मेरे गाने जैसे है माय फोन मारी मेरे वर्स जैसे है पाइथन वन से साउंड चेक तुझे मेरी सारी राउंड मैं करूं डर बैलेंस से बाउंस बैक कोरिंग हुए पूरा हाउस बैक मेरा अगला शो भी अनाउंस है अकाउंट में आया अमाउंट है अभी तो बस ये मेहनत का पहला ही राउंड है मेहनत का पहला ही राउंड है
डेडी विद द बॉयज इन अ 4x4 नोटर के जेब में दो बाय पुल अप एट द क्लब कहते ओ माय चढ़ा हूं मैं स्टेज में शूट माय शॉट गेट विद द बॉयज इन अ 4x4 नोटर के जेब में दो बाय पुल अप एट द क्लब कहते ओ माय गॉड चढ़ा हूं मैं स्टेज में शूट माय शॉट हमेशा पॉपुलर होता है मेरा नॉनसेंस इसुजु भाई यस सर देगा भाई गाना क्या फायर लगा था ना क्या कैची हुक बनाया और क्या वाइब है गाने का भाई एक तरह का एंथम है भाई ये जो गेडी वाला एंथम हो गया भाई गाड़ी में जाओ वूफर बड़े बड़े है तो बजाओ बेंच बहुत ही बढ़िया गाना था भाई मुझे बहुत पसंद है और एक ऐसा अनयूजुअल सा चीज देखने मिला तो भाई ऑब्वियसली अमेज हो जाते हैं क्योंकि एक वेस्ट अफ्रीकन बंदा अपने देसी पॉप में आके प्रॉपर ऐसा हिंदी में रैप कर रहा है और जो एकदम ही वाइबी है दैट इज कमेंडेबल भाई काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है और काफी अच्छे से डिलीवर भी कर रहा है तो भाई यंग समय भाई हैट्स ऑफ है भाई आपके टैलेंट को और भाई का मैं बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस कर रहा था ही वाज काफी कूल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा था कैमरा प्रेजेंस भी बहुत अच्छा था और बीट भी काफी वाइबी थी काफी कैची थी ना ट्रैप बीट था तो ट्रैप बीट के ऊपर फ्लो बहुत ही बढ़िया था आई डोंट नो ये सॉन्ग पे किसी ने रिएक्शन करा होगा या किसी सॉन्ग ने कवर करा होगा आई डोंट नो बट यंग समय अगर आप ये सुन रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ह्यूज शाउट आउट है आपको और आपके टैलेंट को आप ऐसे ही काम करके जाओ आई एम श्योर यू गोना ब्लो अप सून बहुत ऐसे मेहनत करते जाओ और अपने काम पे भरोसा करो भाई एक दिन लोग आपको जरूर नोटिस करेंगे क्योंकि आपके गाना शायद 2 वीक पहले आया और 24,000 व्यूज हो भी गए तो भाई आप नोटिस हो रहे हो द सीन इज गोना नोटिस यू वेरी सून अगर आपको गाना पसंद है तो भाई मैं लिंक नीचे छोड़ देगा भाई को जाके नो कमेंट करो कि भाई अन्ना के चैनल से आए हो बहुत सारा प्यार है आपको और आप यू नो ऐसे काम करते जाओ सब प्यार वाला कमेंट करते जाना एक भी कमेंट दिख गया तो भाई बस हो गया मेरे को तो चल मैं दिसो क्योंकि रिएक्शन अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना प्यार से कमेंट कर देना ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई चल मेरे पर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए खुश रहो मुझे करो दिस इज अन्ना साइनिंग ऑफ पीस